वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माया गढ़िया फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविता, आज का हमारा टॉपिक रहेगा। हमारा चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी कक्षा 12 के चैप्टर 5 में पार्ट 3 में अपूर्ण प्रभाविता का टॉपिक आज हम लेने वाले हैं। तो देखिए गाइस, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए और मटर के पौधे पर प्रयोग करके जो विसंयोजन का नियम है, प्रभाविता का नियम है और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। हम प्रभाविता के और विसंयोजन के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब देखिए, प्रभाविता के नियम को एक बार मैं वापस स्पष्ट कर रही हूं कि मेंडल ने लंबे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराया, कैपिटल टी लंबेपन के लिए, स्मॉल टी बौनेपन के लिए। लंबे और बौने पौधे संयुग्मजी अवस्था में है, जैसा कि ये दोनों एलील्स एक जैसे हैं, ये दोनों एलील्स एक जैसे हैं, और इससे पौधे प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी चारों संयोजन हमें प्राप्त होते हैं एक अनुपात एक के रूप में। कहने का मतलब है कि चारों पौधों का संयोजन इस तरह का था और ये पौधे कैसे थे, अशुद्ध लंबे। कैसे पौधे थे ये? अशुद्ध लंबे, यानी कि लंबापन इनमें था। गाइस ध्यान दीजिएगा, F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हुए सारे। इसका मतलब है कि ये जो जनक पौधे हैं, इन जनक पौधों में कैपिटल टी वाला करेक्टर है वो डोमिनेंट है, प्रभावी करेक्टर है, और ये प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। अप्रभावी करेक्टर छिपा हुआ रहता है। ये प्रभावी करेक्टर स्मॉल टी वाला, ये हुआ अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त और एक अनुपात एक के अनुपात में संयोजन प्राप्त हुए। अब है कि स्वपरागण कराया गया इनका स्वपरागण कराया गया और F2 पीढ़ी प्राप्त की गई। गाइस ध्यान देना, F2 पीढ़ी प्राप्त की गई और F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए ये जो हमें F1 पीढ़ी के पौधे थे, इनमें स्वपरागण कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये गैमेट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी मेल और फीमेल ले लिए गए, संयोजन प्राप्त हुए हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी तरह से कैपिटल टी ये सॉरी स्मॉल टी स्मॉल टी। कहने का मतलब है कि ये चारों संयोजन जो हमें F2 पीढ़ी में प्राप्त हुए, इनमें कैपिटल टी वाला करेक्टर जहां जहां आता है, ये पौधे हैं लंबे। कैपिटल टी वाला करेक्टर जिन संयोजनों में आया, ये पौधे हुए लंबे और एक पौधा बोना प्राप्त हुआ। इसका मतलब F1 पीढ़ी में करेक्टर जो डोमिनेंट करेक्टर है, उसकी वजह से ये पौधे लंबे हुए। F2 पीढ़ी में भी क्या देखा गया कि जिसमें ये कैपिटल टी वाला करेक्टर आता है वो पौधे लंबे थे, और ये स्मॉल टी वाला जो कि सम्मिश्रण नहीं होता, अप्रभावी करेक्टर F2 पीढ़ी में अपने आप को अपव्यूहित करता है या प्रदर्शित करता है। तो इनका लक्षण प्रारूप अनुपात आया 3:1। जीन प्रारूप ये अपने आप में एक है, ये दो पौधे एक जैसे और ये पौधा एक जैसा, तो जीन प्रारूप इनका आया 1:2:1। ये बात उम्मीद करती हूं कि आपके समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं मेंडल के प्रभाविता के नियम के आगे बढ़ाते हुए। इन्होंने दूसरे विशेषक लेकर के इन्होंने स्वान पुष्प के ऊपर प्रयोग किए। इसका दूसरा नाम है स्नैपड्रैगन एंटीरियम। अब आगे देखिए, स्वान पुष्प का कौन सा करेक्टर लिया? पुष्प के रंग की वंशानुगति। स्वान पुष्प में पुष्प के कलर को इन्होंने देखा, और जैसे हमने मेंडल के प्रयोग लंबेपन बोनेपन को लेकर के किए, इसी प्रकार इन्होंने पुष्प के रंग में लाल पुष्प लिए जनक के रूप में, और ये सफेद पुष्प लिए जो रिसेसिव करेक्टर है। जनक पौधे हैं ये कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए, हमने इस प्रयोग में यहां पे देखा कि कैपिटल टी वाला प्रभावी है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए लाल पुष्प जो है वो सफेद पुष्प के ऊपर प्रभावी नहीं है। इसका मतलब है कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला जो संयोजन
हमें प्राप्त हुआ मेंडल के नियमानुसार, ये लाल पुष्प जो सफेद पुष्प है इसके ऊपर प्रभावी होना चाहिए और F1 पीढ़ी में हमें लाल पुष्प प्राप्त होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है और हमें यहाँ पर F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। गाइस ध्यान देना, ये गुलाबी पुष्प प्राप्त होना इस और इस दोनों लक्षणों के बीच का लक्षण आ गया गुलाबी पुष्प। इसका मतलब है कि जो डोमिनेंट करेक्टर, जो प्रभावी करेक्टर था, वो पूर्णतया अपने आप को शो नहीं कर पाता, पूर्णतया प्रभावी नहीं है, अपूर्ण प्रभावित है और अपूर्ण प्रभावित होने की वजह से इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। अब देखिए वापस और अंतर देखना, पुष्प के रंग की वंशांगति में जनक पौधे लिए गए लाल पुष्प और सफेद पुष्प, जैसा कि हमने माना कि ये डोमिनेंट करेक्टर है, लेकिन डोमिनेंट करेक्टर पूरी तरह से अपने प्रभाव को शो नहीं कर पाता है और हमें F1 पीढ़ी में लाल पुष्प और सफेद पुष्प के बीच का करेक्टर यानी कि गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। जब गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं तो वापस इनका आगे स्वपरागण कराया गया, ये देखा गया कि देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर किस तरह से अपने आप को शो करते हैं। आइए देखते हैं, स्वपरागण कराया गया, स्वपरागण के बाद ये देखिए कि ये गैमेट्स बने कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनके रेशो कैपिटल आर स्मॉल आर, इन पौधों के अंदर जब इन्होंने अनुपात देखा, ये पीढ़ी हो गई F2 पीढ़ी, इस F2 पीढ़ी के अंदर ये जो कैपिटल आर वाले पौधे थे संयुग्मजीय अवस्था में, ये लाल पुष्प वाले थे। वापस वही बात आ रही है, कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले जो ये पौधे हैं, ये कैसे हैं? ये गुलाबी पुष्प वाले पौधे हैं। यहां पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर, कहने का मतलब है कि न तो लाल पुष्प प्राप्त हुए न सफेद पुष्प प्राप्त हुए, दोनों के बीच का ट्रेड प्राप्त होता है और ये भी गुलाबी पौधा प्राप्त हुआ। देन इसके बाद लास्ट संयोजन, क्योंकि यहां पर ये संयुग्मजीय अवस्था आ गई और ये करेक्टर अपने आप को शो करता है F2 पीढ़ी में, जो छिपा हुआ करेक्टर है वो F2 पीढ़ी में निकल करके आता है, अपने आप को स्वतंत्र होकर के शो करता है, दिखाता है। और ये जो है सफेद, ये है हमें सफेद पुष्प प्राप्त होता है। अब देखिए इनका रेशो देखते हैं, इनका रेशो होगा कलर के हिसाब से, हम रेशो देखिए, एक पुष्प लाल, दो पुष्प गुलाबी, एक पुष्प सफेद, हमारे पास लक्षण प्रारूप का अनुपात आता है 1:2:1, हमारे पास लक्षण प्रारूप का अनुपात आता है 1:2:1। अब आपको यहां पर अंतर मिलेगा कि यहां पर हमें लक्षण प्रारूप का अनुपात आया था 3:1, तीन पौधे एक जैसे थे लंबे और एक पौधा बोना, ये कंडीशन थी मेंडल के मटर के पौधे के लंबाई के प्रयोग में, लेकिन स्वर पुष्प में पुष्प के रंग की वंशांगति में इन्होंने देखा कि दोनों करेक्टर के बीच का करेक्टर, यहां पर तीसरा करेक्टर निकल करके आता है। इसका मतलब है कि जो डोमिनेंट करेक्टर है, जो कि अपने को F1 पीढ़ी में शो करता है, यहां पर ये पूरी तरह से अपने आप को कंप्लीट रूप से शो नहीं करता है, कंप्लीट रूप से नहीं दिखाता है और इसीलिए ये जो है अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है, पूरी तरह से प्रभावी करेक्टर अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। गाइज अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है F2 पीढ़ी में, चाहे F1 पीढ़ी में, और एक तीसरा करेक्टर निकल करके आता है जो कि दोनों के बीच का है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि इसको और स्पष्ट मैं आपको करूं। चलिए हम रिजल्ट पे चलते हैं कि जो स्नैपड्रैगन या स्वान पुष्प के ऊपर प्रयोग किया उसके क्या रिजल्ट आए। परिणाम में देखिए F1 पीढ़ी में ऐसा फिनोटाइप आता है या लक्षण प्रारूप आता है जो कि किसी भी जनक से मेल नहीं खाता है, न तो लाल पुष्प और न ही सफेद पुष्प। F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जनक के बीच का लक्षण
प्राप्त हुआ, यानी ऐसा परिणाम आया जो कि दोनों जनकों से भिन्न था। इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल आर जो है स्मॉल आर कारक के ऊपर पूर्णतया प्रभावी नहीं रहा। कैपिटल आर कारक जिसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में लेते हैं, बट कैपिटल आर कारक स्मॉल कारक के ऊपर पूर्णतया प्रभावी नहीं रहा, इसीलिए यह एग्जाम्पल अपूर्ण प्रभाविता का है। अब बात आती है कि इनका स्पष्टीकरण कैसे हो, यह अपूर्ण प्रभाविता का कैरेक्टर कहां से आया। तो गाइस ध्यान दीजिए कि द्विगुणित होती है जीव की कोशिकाएं, उन द्विगुणित जो जीव की कोशिकाएं होती है द्विगुणित अवस्था में जीन जो है विशेष विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना जीव के अंदर निहित होती है, अभिव्यक्त करता है। जीन में विशेष विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित होती है। एक जीन के दो प्रारूप होते हैं, जैसा कि द्विगुणित कोशिकाओं में कैपिटल टी ये दोनों जो है एलील्स होते हैं, ये दो प्रारूप होते हैं, ये समयुग्मजीय अवस्था में भी हो सकते हैं और विषम युग्मजीय अवस्था में भी हो सकते हैं। समयुग्मजीय अवस्था में और विषम युग्मजीय अवस्था में ये प्राप्त हो सकते हैं, पौधों में हो सकते हैं, द्विगुणित कोशिकाओं में हो सकते हैं। अब गाइस इनका स्पष्टीकरण कैसे मिला, जो अपूर्ण प्रभाविता की बात हमने की, इसकी स्पष्टीकरण की बात हम करते हैं कि ये दोनों एलील्स डिपेंड करता है कि इसमें दोनों एलील्स किस तरह से अभिव्यक्त होते हैं। किस तरह से अभिव्यक्त होने का मतलब है कि मान लीजिए एक एलील एक एंजाइम जो है बनाता है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है, दूसरा एलील दूसरा एंजाइम बनाता है। अब देखिए हो सकता है कि एक ने रूपांतरित होकर के बिहेव किया हो, एक एलील ने कोई चेंज नहीं किया है और अपना पुराना वाला प्रभाव व्यक्त कर रहा है, दूसरा एलील रूपांतरित होकर के व्यवहार करता है। तो इस तरह से जो एक जीन के दोनों प्रारूप होते हैं द्विगुणित कोशिकाओं में, ये दोनों प्रारूप किस तरह से अभिव्यक्त होते हैं और इस अभिव्यक्ति की वजह से यह अपूर्ण प्रभाविता जैसा अपवाद, मेंडल के नियम में क्या है, ये अपवाद है, क्योंकि मेंडल ने जो प्रभाविता का नियम दिया था, इस प्रभाविता के नियम में F1PD में उन्होंने प्रभावी करेक्टर को पाया था मेंडल ने मटर के पौधे में, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ कि दोनों लक्षणों के बीच का लक्षण प्रकट हो गया, यानी कि गुलाबी पुष्प प्राप्त हो गए। इसका मतलब यह है कि ये जो है मेंडल के नियम के विरुद्ध है, अपवाद स्वरूप है, तो यह अपूर्ण प्रभाविता एक अपवाद के रूप में सामने आई। स्पष्टीकरण आपके समझ में आ गया होगा कि एक जीन के दो प्रारूप डिपेंड करता है कि दोनों प्रारूप में से अपनी अभिव्यक्ति देने की क्षमता किस प्रकार की है। हो सकता है कि द्विगुणित कोशिकाओं में ये दोनों एलील्स अलग अलग प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करे, इसीलिए एक जैसे रूपांतरित होकर अभिव्यक्त करे और एक अरूपांतरित होकर के बिहेव करे या अभिव्यक्त करे, इसीलिए अपूर्ण प्रभाविता जो है प्रकट होती है अपवाद रूप में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके गाइस थैंक्स, फिर मिलेंगे।